बैक टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। अब इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम में आपको इसके लिए ग्राफ बनाना नहीं आएगा, ये ग्राफ मैंने बनाकर आपको सिर्फ ये बताया है कि जब हम किसी भी पॉलीनोमियल के ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं, वो तीन तरह के पॉलीनोमियल बताए थे आपको मैंने, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसमें से आज हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का केस लेंगे। तो इसमें उन ज़ीरोज़ का क्या मीनिंग होता है ये समझाने के लिए मैंने आज की ये क्लास ली है। तो यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। और अब आपको अच्छे से पता होगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है जिससे हम इसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ मुझे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रखकर वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ देखनी है कि कहाँ पर वाई ज़ीरो हो जाता है, वाई मतलब इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कहाँ ज़ीरो हो जाती है। तो वाई हमने यहाँ नॉर्म इसलिए दिया क्योंकि मुझे यहाँ इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और जो नई वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम वाई का नाम देते जाएंगे। तो एक्स जब मैंने 1 यहाँ वैल्यू रखी है एक्स की जगह, तो वाई की वैल्यू मिलती है मुझे -6। 2 पर भी -6 मिलती है, -1 पर 0 हो गया ये पॉलीनोमियल और 4 पर भी 0 हो गया। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ नहीं शो करी है क्योंकि अब आपको ये कैलकुलेट करना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसे ये वैल्यूज रखकर आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बस मैंने एक -1 की वैल्यू आपको शो कर दी है यहाँ किस तरह से ये पॉलीनोमियल यहाँ 0 हुआ है। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ के लिए आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन वाई कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे 0 कहते हैं नंबर लाइन। और राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स की और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट पर होती हैं। इसी तरह वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ अपवर्ड होती हैं और वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ डाउनवर्ड होती हैं। तो यहाँ मैंने इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ पुट करी। तो देखिए -1 और y क्या है 0, तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिला है। और दूसरा देखें 4 और x क्या था, 4x है और y की वैल्यू है 0, तो ये 4, ये दो पॉइंट मिले हैं मुझे -1 और 4। तो -1 और 4 मुझे वहाँ भी मिले थे जिस पर कि ये 0 हो गया था। तो 0 होने का क्या मतलब है कि ग्राफ x कोऑर्डिनेट को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट उस गिवन पॉलीनोमियल का 0 कहलाता है। बस यहाँ यही समझाना था। बाकी मैंने आपको एक रिलेशन जो पहले इनके बताए हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के केस में, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है c/a। तो देखिए मैंने वहाँ वैल्यू पुट करी है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है वहाँ 3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा है -4। अब यहाँ आप देख लीजिए दो ज़ीरोज़ हैं -1 और 4, इसका मैं सम करती हूँ -1 और +4 क्या आएगा 3, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है -1 × 4 -4। देख लीजिए दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो यहाँ आपको ये पता चला कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का एक पूरा चैप्टर आपके पास आगे आने वाला है, तो यहाँ हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वहाँ ये आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सीखें। और एक कंडीशन और बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। और वो 2 ज़ीरोज़ किस तरह के होते हैं, इधर 2 distinct ज़ीरोज़, या तो 2 आपको अलग ज़ीरो मिलेंगे जैसे यहाँ है -1 एक अलग है नंबर और 4 एक अलग है। दूसरा केस हो सकता है 2 equal ज़ीरोज़ मिलें, यानी कि वो 1 ही ज़ीरो कहलाएगा। और तीसरा केस होता है कि जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होता। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे समझेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।